स्वागत बंधन। आज हम आरोह भाग दो कक्षा 12वीं विषय हिंदी के अंतर्गत जो पाठ है उसको पढ़ेंगे और काव्यांशों को समझेंगे। जैसे ये दिया हुआ है, आंगन में लिए चांद के टुकड़े को खड़ी हाथों पे झुलाती है उसे गोद भरी, रह रह के हवा में जो लोका देती देती है गूंज उठती है खिलखिलाते बच्चे की हंसी। शब्दार्थ समझें, आंगन यानी घर में मौजूद खुला स्थान जो समान रूप से घर के बीचों बीच होता है। चांद का टुकड़ा अत्यधिक प्यारा, बोध भरी बूंद में लेकर लोका देना यानी उछाल उछाल कर प्यार करने वाली एक क्रिया। संदर्भ प्रस्तुत जो काव्य रचना हमारी पाठ पुस्तक आरोह में संकलित रुबाई से उद्धृत है और इसके जो रचयिता है वो फिराज गोरखपुरी जी है। प्रसंग प्रस्तुत काव्य पंक्ति में मशहूर शायर फिराज गोरखपुरी जी ने बच्चे के प्रति माँ के अनूठे वात्सल्य प्रेम का सजीव वर्णन किया। व्याख्या समझे, उर्दू शायरी के दुनिया के मशहूर शायर फिराज गोरखपुरी माँ और शिशु के मध्य के अलौकिक प्रेम का वर्णन करते हुए कहते हैं कि माँ अपने घर के आंगन में अपने चंद्रमा के समान सुंदर मुख वाले शिशु को गोद में लिए खड़ी है। वह अपनी गोद का झूला बनाकर अपने हाथों से अपने बच्चों को क्या कर रही है, झूला रही है। बच्चा भी माँ के हाथों के इस अनुपम झूले में बहुत प्रसन्न दिख रहा है। जब बच्चे को हाथों से ऊपर उछाल उछाल कर माँ उसे लोका देती है तो बच्चा प्रसन्नता के मारे खिलखिलाकर हंस देता। अभिप्राय यह है कि माँ के इस प्रझुलाने पर बच्चे की उन्मुख हंसी खिलखिलाहट के रूप में चारों ओर फैल जाती है और माँ की गोद में बच्चा आनंद का अनुभव करता है। उसकी जो किलकारियां हर आंगन गूंज उठता है। काव्य सौंदर्य बच्चे के मुख की तुलना चंद्रमा के सुंदरता से की गई है। बच्चे के प्रति माँ के अनूठे वात्सल्य प्रेम का सजीव चित्रण है। वात्सल्य रस की सहज स्वाभाविक अभिव्यक्ति हुई है। चांद के टुकड़े मुहावरे का प्रयोग है। रह रहे में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। लोका देना जैसे देशर शब्द का प्रयोग है। दृश्य एवं शब्द बिंब उभर कर आए हैं। भाषा सरल सरस एवं अभिव्यक्ति में सामने। दूसरा है नहला के छलके छलके निर्मल जल से उलझे हुए गेसुओं में तंगी करके किस प्यार से देखता है बच्चा मुख को जब घुटनियों में ले के फिर हाथी कपड़े। शब्दार्थ छलके यानी छलकना, घुड़क कर गिरना, निर्मल स्वच्छ पवित्र सा, गेसु यानी बाल, घुटनियों यानी घुटने, फिर हाथी यानी पहना। संदर्भ जैसे कि मैंने आपको पूर्व बताया, प्रसंग प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में जो उम्दा शायर हैं फिराज गोरखपुरी जी ने माँ के बच्चे के प्रति निश्चल वात्सल्य रस का चित्रण किया। व्याख्या समझिए, कवि कहता है कि सुबह काम से निवृत्त होकर माँ साफ पानी से अपने अबोध बालक को नहलाने का उपक्रम करती तो बच्चा ऊपर से गिरते पानी से मतलब हाथों में छपा छपा करके प्रसन्नता का अनुभव करता है। इससे निर्मल जल बच्चे के शरीर से छलकता हुआ प्रतीत होता। नहलाने के उपरांत माँ अपने बच्चों के गीले गीले या गीले उलझे बालों को सुखाकर बड़ी ममतामयी दृष्टि से कंघा करती है और जब माँ अपने दोनों घुटनों के मध्य अबोध रहने बच्चे को फंसाकर उसे दहलाते हुए कपड़े पहनाती है तो वह बालक बड़े प्यार से टकटकी लगाए अपनी माता के चेहरे को क्या करता देखता है और अत्यधिक प्रसन्न होता है। काव्य सुंदर, माता अपने बच्चे के प्रति नैसर्गिक का अनुराग दिखाई दिया है। बालक द्वारा माँ के चेहरे को टकटकी लगाकर देखने की बात माँ बच्चे के अद्वितीय प्रेम की कहानी कहती है। वात्सल्य रस की सहज स्वाभाविक अभिव्यक्ति हुई है। छलके छलके में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। प्रथम पंक्ति में लावण्य की आवृत्ति से अनुप्रास अलंकार आ गया है। बिंब योजना अत्यंत प्रभावशाली एवं सटीक है। भाषा सरल सहज और भावानुकूल है। अब है दिवाली की शाम, घर पुते और सजे चीनी के खिलौने जगमगाते लावे वो रूपवती मुखेड़े को एक नर्म दमक बच्चे के घरौंदे में जलाती है। शब्दार्थ शाम यानी शांत संध्या, पुते यानी रंगे, रूपवती यानी सुंदर, एक माने की नर्म दमक यानी हल्की चमक, घरौंदे यानी मिट्टी का घर। संदर्भ जैसे मैंने आपको बताया पूर्वज है, प्रसंग प्रस्तुत काव्य रचना में शायर फिराज गोरखपुरी जी ने दिवाली पर्व की शोभा और उससे जुड़ी प्रसन्नता का सजीव वर्णन। व्याख्या, दिवाली का वर्णन करते हुए कवि कहता है कि महीने भर से चल रही साफ सफाई सजावट के बाद आज दिवाली आई है। दिवाली की शाम को जब आकाश धुंधला मतलब धुंधला
अंधकार जब धुंधलता छाने लगता है तब घर दुकान लगे कुत्ते सुंदर सजावट से परफ्यूम लग रहे हैं, मिठाई के नाम पर चीनी खांड से बने खिलौने घरों में आए हैं, चारों ओर जगमग करते दीपकों की शोभा देखते बंती माँ के सुंदर मुखड़े पर एक हल्की सी चमक बिखरी हुई है, वह बच्चों द्वारा खेल खेल में बनाए गए मिट्टी के कच्चे घर भी मैं भी क्या करते दिए जलाती जिसे देखकर बच्चा अत्यंत प्रसन्न होता है। कागज सुंदर दिवाली की अनुपम शोभा का वर्णन किया गया है, त्योहार की तैयारी करती माँ के चेहरे की आभा देखते बनती है, रुबाई छंद है और पूरी रचना में एक ही आवृत्ति से सौंदर्य आ गया, मिश्रित शब्दावली युक्त बोलचाल की भाषा है, बिंब योजना अत्यंत प्रभावशाली सटीक है, दृश्य संयोजन की छटा दर्शनीय है और रूपवती मुखड़ा एवं नर दमक जैसे वाक्यांशों का सुंदर प्रयोग हुआ है। फिर है आंगन में पुनक रहा है जिद आया है, आंगन में पुनक रहा है जिद आया है, बालक तो हुई बालक को हई चांद पे ललचाया है, दर्पण उसे देखे कह रही है माँ देख आईने में चांद उतर आया है। शब्दा पुनकने यानी जिद में पैर पटकना, सिसकना, सुबकना, जिद यानी हट हड़ना, बाल हट यहाँ हई है माने है ही, पै माने पर, दर्पण यानी प्रतिबिंब देखने वाला कांच, आईना माने शीशा। संदर्भ जैसे मैंने बताया पूर्वज प्रसंग प्रस्तुत उपाय छंद में शायर फिराग गोरखपुरी जी ने चंद्रमा को पाने की बालभट और माँ द्वारा उसकी पूर्ति करने का बड़ा ही वात्सल्यपूर्ण वर्णन किया। आप देखिए व्याख्या, शायर कहता है कि बच्चा आंगन में क्या कर रहा, पैर पटक पटक कर मचल रहा है, वह आकाश में चंद्रमा की ओर संकेत करते हुए माँ से उसे देने की हट कर रहा है, वह अभूत बालक अपने चमकते हुए चंद्रमा को एक खिलौना समझ रहा है और उसका मन उस चंद्रमा रूपी खिलौने के लिए ललचा रहा है, वह चंद्रमा को टकटकी लगाए झूठ-मूठ में सुबकते हुए माँ से दिलवाने के लिए बार बार आग्रह कर रहा है, बालक की इस हट पर माँ बरबस मुस्कुरा देती है, हाथ में दर्पण लेकर बालक को उसमें चंद्रमा की छवि दिखाते कहती है कि ये मेरी मुन्ना तेरा चंद्रमा रूपी खिलौना इस दर्पण में उतर रहा है, बच्चा हमारे खुशी के हाथ में दर्पण लिए एक अन्य भाव यह भी है, माँ हाथ में दर्पण लेकर अपने बालक की छवि उसे दिखाकर कहती लो मेरे बच्चे यह रहा श्री चांद जो तेरे सामने दर्पण में तेरे हाथ में है। अभिप्राय है कि माँ अपने बच्चों को चंद्रमा के समान सुंदर समझती है और दर्पण में प्रतिबिंब दिखाकर उसके संभव मांग को पूर्ति करते उसका मन बहलाती है। काव्य सुंदर चंद्रमा बच्चों के लिए सदैव से एक मन लुभावन खिलौना रहा है, यह भाव पुनः उभर कर आया है, चंद्रमा के लिए हट के रूप में बच्चे की स्वाभाविक वृत्ति कर्मंजना हुई है, स्वभावोक्ति अलंकार वात्सल्य रस विद्यमान है, आईने में चांद उतर आया है एक सुंदर सटीक बिंब निर्मित करता है, मिश्रित शब्दावली और युक्त बोलचाल की भाषा सहज है। रक्षाबंधन की सुबह रस की पुतली छाई है घटा गगन की हल्की हल्की, बिजली की तरह चमक रहे हैं लच्छे भाई के है बांधती चमकती रात। शब्दार्थ रस की पुतली आनंद का भंडार, नन्ही बेटी घटा यानी बदली, गगन यानी आकाश, लच्छे यानी राखी के चमकीले धागे। संदर्भ वही पूर्वाग्रह प्रसंग प्रस्तुत उपाय छंद में मशहूर शायर फिराग गोरखपुरी ने भाई बहन के अटूट संबंध के त्योहार रक्षाबंधन का अत्यंत सजीव वर्णन किया है। व्याख्या प्रस्तुत काव्यांश पंक्तियों में कवि ने भाई बहन के अनूठे प्रतीक पर्व रक्षाबंधन का वर्णन करके लिखा कि आज रक्षाबंधन का यह पावन पर्व है, सुबह का समय है, इस अत्यंत मीठे रक्षाबंधन के त्योहार का चारों ओर आनंद का वातावरण है, सुबह रक्षाबंधन का त्योहार सावन माह में आता है इसलिए आसमान में हल्के हल्के बादल छाए हैं जो वातावरण को और अधिक सुहावना बना रहे हैं, बादलों के बीच बीच में तेज आवाज के साथ बिजली भी कोंद रही है, अनुपम प्राकृतिक सौंदर्य के बीच एक नन्ही सी बहन अपने भाई की कलाई पर राखी के पवित्र धागे बांधती, राखी भी है रेशमी धागे आकाश में प्रकृति बिजली के समान चमक रहे हैं। काव्य सौंदर्य रक्षाबंधन के पवित्र भाग पर भाई बहन बहन द्वारा अपने भाई की कलाई पर राखी बांधने का सजीव चित्रण है, राखी के भावों की चमक की तुलना आकाशीय बिजली की चमक से करना मनोरम बन पड़ता है, नन्ही बालिका के लिए रस की पुत्री संबोधन अत्यंत सार्थक शब्द है, हल्की हल्की में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, मिश्रित शब्दावली युक्त बोलचाल की सहज भाषा है, चित्रात्मक शैली के प्रयोग में मटाकों के समक्ष चित्र सा टिक जाता है,
विम योजना अत्यंत सटीक सार्थक। आप यहाँ पर आप देखिए, यहाँ रुबाइयत पढ़ने का आज अभी अभी यहाँ पर हम शुरू कर रहे हैं गजल। क्या ये है गजल? ठीक है। नौरस गुंचे पंखड़ियों की नाजुक उदर है फूले हैं, या उड़ जाने को रंगो वो गुलशन पे पर तोले। शब्दा नौरस यानी नया रस, नवरस गुंजे यानी कली नाजुक यानी कोमल, ग्रह यानी गांठे, रंगो बू यानी रंग और सुगंध, गुलशन बगीचा उद्यान। संदर्भ प्रस्तुत काव्य रचना शेर हमारी पाठ पुस्तक आरोह संकलित गजल से उद्धृत है। इसके रचयिता उर्दू भाषा के नामचीन शायर फिराक गोरखपुर जी हैं। प्रसंग प्रस्तुत शेर में फिराक गोरखपुर जी ने बसंत ऋतु के आगमन पर फूलों में होने वाले परिवर्तन का सजीव वर्णन किया। व्याख्या कवि कहता है कि बसंत ऋतु के आगमन पर उसके स्वागत में फूलों की कलियां जो नवरस से भरी हुई है अपनी पंखुड़ियों की कोमल गांठों को खोल रही है। अर्थात बसंत ऋतु में फूल अपनी नवरस से परिपूर्ण पंखुड़ियों को खोल देते हैं। ऐसा लगता है मानो फूल अपने रंगों की सुंदरता सुगंध को पूरे बगीचे में बिखरने बिखेरने के लिए धीरे धीरे अपने पंख खोल रहे हैं। अभिप्राय है कि बसंत ऋतु में फूल अपनी खुशबू को पूरे वातावरण में फैला देते हैं। काफी सुंदर फूलों के माध्यम से बसंत ऋतु की अनुपम छटा का वर्णन किया गया। प्रकृति का उद्दीपन देखने को मिलता है, गजल शैली है, संध्या अलंकार का मनोरम प्रयोग हुआ है, आवृत्ति के साथ तोले 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 में अनुप्रास अलंकार है और उर्दू फारसी हिंदी शब्दों से युक्त भाषा है। विभिन्न योजना सुंदर है। फिर है तारे आंखें झपकावे हैं जर्रा जर्रा सोए हैं, तारे आंखें झपकावे हैं जर्रा जर्रा सोए हैं, तुम भी सुनो हो यारो शब में सन्नाटे कुछ भूले हैं। शब्दार्थ झपकना टिमटिमाना, यहाँ जर्रा जर्रा कणकण, शब है रात, सन्नाटा सुनसान। संदर्भ जैसे मैंने आपको पूर्वक में बताया, प्रसंग प्रस्तुत शेर में शायर फिराक गोरखपुरी ने रात्रि सौंदर्य का वर्णन किया। व्याख्या कवि कहता है कि ढलती हुई रात है, रात्रि के इस गहरे अंधेरे में प्रकृति का कणकण सोया हुआ है, सब तरफ सुनसान है, चारों सन्नाटा अपने पैर पसारे हुए हैं, परंतु इस गहरी रात में ही आसमान में तारे टिमटिमा रहे हैं। ऐसा शांत वातावरण में कवि को अपनी प्रेसी की याद आ रही है। जागा हुआ कवि सीधे मैं प्रेम पीड़ा लिए अपने दोस्तों के संबोधित करते कहता कि मेरे यारो, क्या तुम भी इस सन्नाटे की बात सुन पा रहे हो? काव्य सुंदर गहरी अंधेरी रात में टिमटिमाते तारों के अनुपम सौंदर्य का सजीव वर्णन है। सन्नाटे की चुप्पी भी कई रहस्य समेटे होती है। सन्नाटे का मानवीकरण किया गया है, प्रकृति का उद्दीपन रूप देखने को मिलता है। गजल शैली है, जर्रा जर्रा में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। फिर है यहाँ पर हम हो या किस्मत हो हमारी, हम हो या किस्मत हो हमारी, दोनों को एक ही काम मिला, किस्मत हमको रो ले रहे हैं, हम किस्मत को रो ले हैं। हम हो या किस्मत हो हमारी, दोनों को एक ही काम मिला, किस्मत हमको रो ले रहे हैं, हम किस्मत को रो ले हैं। शब्दार्थ किस्मत भाग नियति, एक यानी एक लयवे लेती है। संदर्भ पूर्व जैसे मैंने बताया, प्रस्तुत शेर में नामचीन शायर फिराक गोरखपुरी जी ने लोगों की स्वयं के भाग को दोष देने की प्रवृत्ति पर कटाक्ष किया है। व्याख्या प्रस्तुत शेर में कवि कहता है कि मुझो में भाग दोनों को ही किसने, विधाता ने एक समान काम सौंपा है। मेरी किस्मत मुझको कोसती रहती है और मैं अक्सर अपनी किस्मत पर दोषारोपण करता रहता हूँ। अभिप्राय यह है कि अपनी किसी भी असफलता के लिए मानव सदैव अपनी किस्मत को दोष देता है, जबकि किस्मत भी ऐसे आलसी व्यक्ति के पल्ले बनने पर स्वयं को अभागा मानती है। और एक भाव तो यह भी हो सकता है कि शायर अपने बुरे भाग्य से परेशान होकर निराशा में अपनी किस्मत को कोसने की बात करता है। काव्य सुंदर भाग्य भरोसे बैठे रहने वाले व्यक्ति पर व्यंग है। इस शेर में निराशा झलकती है। किस्मत के मार्गीकरण के कारण मार्गीकरण अलंकार है, गजल शैली है, उर्दू फारसी शब्दों की बहुलता है।